कुछ जिसके ऊपर हमने बात करनी है। तो बच्चों रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन और उसका प्रैक्टिस सेशन है, हम बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ और उसके रूल्स को देखेंगे। प्रैक्टिस सेशन ऑफ रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन जाए और फिर हम उसकी बेस पे इंशाल्लाह आगे क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे। सो बच्चों प्लीज अपने माइक ऑफ कर दीजिएगा। सो बच्चों रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन और उसकी प्रैक्टिस के ऊपर हमारे क्वेश्चंस होंगे। मिसाल के तौर पे एक रूल हम डिस्कस करते हैं, रूल नंबर वन, और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है कि लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, बात को बड़ी तवज्जो से समझिएगा, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसमें बच्चों आपने क्या करना है, ये एक लम्हे के लिए पावर को इग्नोर कर दें, एक लम्हे के लिए, और आपने देखना ये है कि ये जो भी फंक्शन है क्या इसके साथ इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। अगर फंक्शन के साथ विदाउट पावर, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो उसकी पावर में एक ऐड करके उससे डिवाइड कर देना है। मिसाल के तौर पे इसका आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहां बस शर्त यह है कि एन आपका माइनस वन नहीं होना चाहिए। सो बच्चों दोबारा रूल समझे और फिर इसका प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो बच्चों गौर करें, मैं ये अर्ज कर रहा हूं विदाउट पावर अगर आपको किसी भी फंक्शन का कोई डेरिवेटिव नजर आता है साथ, तो आप प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन में तो आप उसकी पावर में ये देखें एक ऐड कर रहे हैं, उसकी पावर में एक ऐड कर रहे हैं और उसी पावर से डिवाइड कर रहे हैं प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसी बात ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं, इसकी एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां एग्जांपल्स बनाता हूं, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा बच्चों ये मिसाल के तौर पर बिल्कुल सादा सी एग्जाम्पल से अगर हम आगाज करें, मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर डी एक्स, बच्चों अगर ये एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि इसके ऊपर कोई पावर है, ठीक हो गया, और मुझे बताएं कि एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एक्स का डेरिवेटिव है वन, तो बच्चों वन इसके साथ मौजूद है, अगर नहीं भी है तो वन तो हर एक के साथ पड़ा हुआ होता है, सो आप ये कह दें कि एक्स का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, सो सिंपल इज दैट इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज योर रिजल्ट। और एग्जांपल्स मैंने आपको, अच्छा ये आप देखिएगा, मिसाल के तौर पे ये मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर वन बाय टू, और इधर मेरे पास लिखा हुआ है टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। तो बच्चों एक लम्हे के लिए मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं और बड़े धीमे अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये एक लम्हे के लिए पावर को इग्नोर कर दे, आप मुझे बताएं कि इसका डेरिवेटिव क्या है। तो बच्चों जब आप इसके डेरिवेटिव की जानिब आते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये इसका डेरिवेटिव मौजूद है, 3x का डेरिवेटिव 3, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, और 5 का 0, मतलब इस पूरे फंक्शन का ये डेरिवेटिव पड़ा हुआ है 2x प्लस 3। तो लिहाजा इसका आंसर बनाते हुए बच्चों आपने जस्ट क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 रेज टू पावर 1 बाय 2 प्लस 1 इसमें एक ऐड कर दिया और 1 बाय 2 प्लस 1
यही नीचे लिख दिया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जब आप फाइनल इसको सम अप करेंगे तो ये 1/2 + 1 3/2 आ जाएगा और नीचे भी 3/2 आ जाएगा। इस तरह से आप मिसाल के तौर पे मैं लिख ही देता हूँ x² + 3x + 5 और ये आप लिख देंगे 3/2 और ये नीचे जो 3/2 आएगा उसको एक साइड पे लिख दें 2/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये एग्जाम्पल हो गई। और क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं और बच्चे देखते हैं। मिसाल के तौर पे सर अगर पावर में -1 आ जाए तो मैं उस पे भी बात पहले रूल एक कर लेना। वो जो -1 लाना है वो मैं स्पेशल एक रूल के तौर पे बना दूंगा। अभी पहले मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव पावर्स चले आ जाए ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया? ठीक है बच्चे। अच्छा जी सर ठीक है। कॉस एक्स तो आप बच्चों देख रहे हैं कि मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं एक लम्हे के लिए पावर को इग्नोर कर दें और साइन का डेरिवेटिव देखें क्या है कॉस 7 मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 7 पड़ा हो तो उसकी पावर में एक ऐड कर दें उसी से डिवाइड कर दें प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। इस तरह की आप लाखों एग्जांपल्स बना सकते हैं। मैं ये लिखता हूं log x over x dx। आप गौर कीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है log x और ये जो 1 ये नीचे x है इसको मैं लिख सकता हूं 1/x dx। तो बच्चों इसकी पावर 1 है। जैसे मैं बार बार कर रहा हूं पावर को इग्नोर करके आप बताएं कि ये जो फंक्शन है क्या इसका डेरिवेटिव 7 है। तो log x का डेरिवेटिव है 1/x तो 1/x 7 मौजूद है तो लिहाजा इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे log x की और इसी से डिवाइड कर देंगे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और एग्जांपल्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये लिखता हूं ये आपके पास मल्टीपल एग्जांपल्स आती जाएंगी। मैं ये लिखता हूं साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 2 ओवर 1 - x² √dx। इसको भी बिल्कुल वैसे देखें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पीछे आपने चैप्टर पढ़ा है साइन इनवर्स डेरिवेटिव्स का तो आपको पता होना चाहिए। ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और इसके ऊपर लिखें 2 ये प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें 1/(1 - x²√dx)। तो बच्चों देखें शुरू से एक ही डिस्कशन है कि पावर को कुछ देर के लिए इग्नोर कर दें और जो ये फंक्शन है क्या उसका डेरिवेटिव 7 मौजूद है। आंसर इज यस। ओके तो आपका जवाब आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इसकी पावर 2 + 1 = 3 सो आप डायरेक्ट बेशक 3 लिख दें 2 + 1 को डायरेक्ट 3 लिख दें सो ये आ जाएगा 3/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये बात हो गई और मैं कहता हूं आज इसी रूल के ऊपर प्रैक्टिस करते जाते हैं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए एंड तक आपको स्टोरी समझ आ जाए कि किस तरह से इसके डेरिवेटिव्स बनेंगे। और 5 मिनट इस मीटिंग के खत्म होने में रहते हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड आपने 10-10 डिफरेंट फंक्शंस जो हैं जो अभी यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं इनसे हट के 10-10 फंक्शंस के आगे इंटीग्रेशंस लिख के आपने अपलोड करनी है। अभी आप देखिएगा नेक्स्ट मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूँ ax² + 2bx + c raised to power 1/2 और आगे मैं लिख देता हूँ ax + b dx। तो बच्चों एक लम्हे के लिए पावर को इग्नोर कर दें। मैं बार बार पावर को हाईलाइट कर रहा हूं कि उसको पहले छोड़ के बाकी का डेरिवेटिव देखना है। तो ax² का डेरिवेटिव बच्चों होता है 2ax। यहाँ पे होना चाहिए था 2ax और 2bx का डेरिवेटिव होता है 2b, c का डेरिवेटिव होता है 0। सो कोई बच्चा बताएगा इस वाले एक्सप्रेशन में किसी चीज की कमी है और वो क्या है?
2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें सर. बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई और बच्चों डिवाइड करना पड़ेगा. सो बच्चों जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2. तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी रेज टू पावर 1/2 और ये आ जाएगा 2ax प्लस 2b. अब देखें वो जो कमी थी वो पूरी हो गई, लिहाजा अब आप लिख सकते हैं, 1/2 और ax स्क्वायर प्लस 2bx. सॉरी इंटीग्रेशन अब खत्म करते हैं, अब इंटीग्रेशन करके लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 ये डॉट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो बच्चों ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2 ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी रेज टू पावर 3/2 और बच्चों डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो बच्चों यहां से क्या होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/3 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी रेज टू पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको कुछ c1 का नाम दे दें बेशक, ये जो c आप ऐड कर रहे थे बिकॉज c इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर रिलेशन. सो इस तरह से 2bx नहीं आएगा, एग्जांपल्स बनाते जाएं. जी बच्चे सॉरी, इस तरह आप इसकी एग्जांपल्स बनाते जाएं. सो आप इस रूल को मेरे ख्याल में अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे अभी तक इस प्रैक्टिस सेशन के साथ, कि हमने एक रूल देखा और उसकी जस्ट हमने बात की अभी एक पे, बाकी इंशाल्लाह जो रूल्स रह गए उस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी. और वो लेक्चर्स जो है वो मैं साथ आपके अभी अटैच कर देता हूँ फाइल, वो जस्ट 10-10 मिनट 15-15 मिनट की एक दो वीडियोस हैं, तो वो आपने साथ देखनी है तो आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा 3 रूल्स के ऊपर, जिसमें एक में ऊपर पावर आ गई, एक में नीचे पावर आ जाएगी और एक में आपके पास होगा कि पावर नहीं होगी. जो भाई ने सवाल पूछा था कि अगर n -1 या 1 हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, तो वो आपके पास स्पेशल एक रूल उसके ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है. सो बच्चों आप लोगों ने अब क्या करना है कि इससे रिलेटेड मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी. पहले ये बताएं कि आप सब लोगों को समझ आ गई इस बात की. जी बच्चों अच्छा, तो इससे रिलेटेड आप लोगों ने सब ने कोई एग्जांपल्स सॉल्व करनी है. और 10-10 एग्जांपल्स सॉल्व करके वो अपलोड करनी है गूगल क्लासरूम के ऊपर. अल्लाह आप सबका हामी और नासिर जिंदगी रही, तो इंशाल्लाह तब तक फिर इसी प्रोग्राम में थी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम सर. अभी जी अभी.